हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके 8th क्लास में संस्कृत में जो सिलेबस में कमी हुई उसके बारे में। एनसीईआरटी की किताबों में इस बार परिवर्तन हुआ, तो सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस में कमी हुई है वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाकर आप अपने मैथ्स में कौन कौन सी प्रश्नावली, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, सामाजिक में कौन कौन से चित्र डिलीट हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं करने हैं, कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ, सारा आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और संस्कृत में आपके ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, जो रुचिरा आपके तृतीय भाग है उसके अंदर आपके सिर्फ आपको एक जो चैप्टर है वो हटाया गया है। इस प्रकार की आपकी किताब है, कवर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आपके पास पुरानी किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके एक पार्ट कम हुआ है जो कि है अपना पंचदश प्रहेलिका, ठीक है ना, ये चैप्टर कम हुआ है। इसके अलावा आपके इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और आपके पास पुरानी किताब है, आप उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सिर्फ इसमें एक पंचदश पाठ प्रहेलिका, ये जो 110 पे है था ये कम हो चुका, हटाया जा चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपका सिलेबस है अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस शीट मिलेगी ताकि आप अच्छे से अभ्यास कर पाओ अपने 8th बोर्ड का, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको कंटेंट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।